नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 9 फरवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075, मास चल रहा है माघ का, तिथि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, तिथि है शनिवार का दिन है, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, योग है सिद्धि और करण है वृष्टि। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की, अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए इस दौरान काम की भागदौड़ तो बहुत ज़्यादा रहेगी, आप थोड़ा सा चिंतित और परेशान भी रहेंगे और असमय कुछ भी खाते रहने की, चटरपटर कुछ भी खाते रहने की आपकी जो आदत है वो थोड़ा सा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपका वजन अचानक से बढ़ने लगा है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, वजन को आप नियंत्रित रखिए। ओम शूर्पकर्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, परिश्रम से मेहनत से आप पीछे न हटें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज फिजूल खर्ची से बचें, काफ़ी दिनों से आप जो सपना देख रहे थे वो पूरा करने का आज आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। ओम शुद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और ज़्यादा बोलने से बचना चाहिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन सपनों की दुनिया से निकल करके असलियत में जीवन जीने का दिन है। ओम शिवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, मानसिक थकान और उदासीनता को आप अपने ऊपर हावी ना होने दें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी नई नौकरी के बारे में विचार बना सकते हैं। ओम शाश्वताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, यात्रा आज आप न करें तो ज़्यादा उत्तम है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप किसी के साथ दिल से जुड़ाव अनुभव करेंगे, आज आपको बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिलने वाले हैं। ओम शांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और क्रोध करने से आप बचें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी दिक्कतें समाप्त हो जाएं तो आपको जल्दी ही आपकी समस्याओं का समाधान कुछ न कुछ ढूंढना होगा। अगर कोई नया कार्य व्यापार आरंभ करना चाहते हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ हो सकता है। ओम शक्ति संयुक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इन्वेस्टमेंट से आप बचें। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक साथ हो रहा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशान और कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आज कोई नया काम आपको किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकता है, तो आज थोड़ा सा आपको नए काम में हाथ डालने से बचना चाहिए। ओम वीत भयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और झूठ बोलने से आप बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। आज आप जिससे भी बात करें अच्छे तरीके से बात करें, वरना आपकी बनती हुई बात जो है वो बिगड़ भी सकती है। ओम विभुदेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी भी व्यक्ति का आप दिल ना दुखाएं। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कोई पुराना रिश्ता आपकी ज़िंदगी में दोबारा वापस आ सकता है, किसी लंबे समय के निवेश के लिए आज का दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। ओम विनायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बड़े वादे बड़े कमिटमेंट्स आपको नहीं करने चाहिए। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने नज़दीकी लोगों से आज दूरी मिटाने का दिन है, आज किसी के बारे में पहले से कोई राय आपको नहीं रखनी चाहिए बना करके। ओम विघ्न राजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, पार्टनर से झगड़ा या वाद विवाद आप न बढ़ाएं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोग आज बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हैं, बहुत व्यस्त रहेंगे। आपके किसी दोस्त से आज आपको कुछ सहायता, विशेषकर आर्थिक सहायता लेनी पड़ जाए, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। शनि वज्र पंजर कवचम का पाठ करें और जल्दीबाजी में आप कोई काम न करें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती दिखाई देगी। अपने दिल की बात आपको उसी व्यक्ति से कहना चाहिए जिससे आपके मन और विचार मिलते हों। ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में, जिस उपाय में मैं आपको बताऊंगा कि टोने टोटकों से बचने के लिए आपको छोटे छोटे घरेलू क्या नुस्खे, क्या उपाय करना चाहिए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि किसी ने आपके घर पर, आपके काम पर, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई टोना टोटका किया है, जिसके कारण आपके और आपके परिवार के लोगों पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ रहा है? तो घबराइए बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही सरल सरल उपाय बताने जा रहा हूँ किसी भी तरीके के टोने टोटके के काट करने के लिए, यानी ब्लैक मैजिक, नज़र दोष, तंत्र मंत्र से बचाव के उपाय।
इन उपायों को करने से आपके घर और परिवार पर किसी भी प्रकार का टोना टोटका जो है वो प्रभावित नहीं रहेगा, यानी उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो इन उपायों को बहुत ध्यान से सुनिए और इसका लाभ लीजिए। अपने घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को आप स्थापित करें। उनकी मूर्ति जो है बाहर की ओर देखती हुई होनी चाहिए और सुबह उठ करके आपको उन्हें प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद अपने द्वार यानी देहली और सीढ़ी को आदि को आपको पानी से छिड़काव करके धो करके साफ करना चाहिए। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का टोना टोटका जो है वो आपके घर के लोगों पर प्रभाव नहीं कर पाता और वो दूर हो जाता है। नीम, बबूल या आम, इनमें से किसी भी पेड़ की टहनी की पत्तियों सहित इनको तोड़ करके टहनी को ले आइए। मुख्य दरवाजे पर आप इसको लटका सकते हैं। जब ये सूख जाए तो इनको प्रवाहित कर दीजिए और फिर उसी तरीके से एक टहनी ला करके लटका दीजिए। शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरो करके मुख्य द्वार पर आप लटकाएं। इससे बुरी नज़र जाती है और आपके परिवार की सुरक्षा होती है। सप्ताह के किसी भी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद एक बाल्टी में थोड़ा सा शक्कर और दूध डाल करके कुशा से उस जल का छिड़काव आपको पूरे घर में करना चाहिए। आखिर में शेष पानी को, जो बचा हुआ पानी है, उसे दरवाजे के दोनों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा छिड़क देना चाहिए, डाल देना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आप अपने घर पर आमंत्रित करके उनको भोजन कराएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके परिवार को और आपके घर के लोगों को टोने टोटके के प्रभाव से भी सुरक्षा मिलेगी। अशुभ प्रभाव जो हैं वो दूर हो जाएंगे और शुभ प्रभाव आपके जीवन में बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय और टोटके आपको निश्चित ही पसंद आते होंगे। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोज़ देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग के करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9997024131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, shama.vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फोन कॉल्स बहुत ज्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।